जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने त्योहारों के दृष्टिगत अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कानपुर, रंगों के पर्व होली को लेकर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कमिश्नरेट पुलिस, नगर निगम के अधिकारियों तथा समाजसेवियों के साथ बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी के सामने तमाम समाजसेवियों ने प्रस्ताव रखा कि जिस स्थान पर होलिका दहन या होली मनाई जाएगी वहाँ कमिश्नरेट पुलिस की तैनाती की जाए ताकि हम निर्भीक होकर हर्षोल्लास के साथ इन रंगों के पर्व को मना सकें। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने त्योहारों के व्यवस्थापन के लिए तमाम विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए, जनता को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो तथा हर संभवतः मदद करने का प्रयास करें ताकि शहरवासी होली को धूमधाम से मना सकें। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने अति संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता रखने के दिए निर्देश। कानपुर से संदीप कुमार की खास रिपोर्ट। होली को दृष्टिगत, त्योहारों के दृष्टिगत क्या व्यवस्थापन होने हैं उससे संबंधित बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें पुलिस एवं अन्य लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ में डिटेल में चर्चा हुई है। खास तौर पे नगर निगम क्षेत्र में जहां होलिका दहन स्थल है वहां कुछ तारों की समस्या बताई गई थी, जो नगर निगम को कुछ व्यवस्थापन देने हैं। जो होलिका दहन स्थल है उसमें सैंड की व्यवस्था करनी है ताकि बिटुमेन रोड पे खराब ना हो, तो इस तरह की कई चीज़ें निकल के आई हैं जिन लैप्सेस पर हम लोग सतर्क निर्देश दिए गए हैं और सतर्क दृष्टि रखने के लिए भी निर्देशित किया गया। उस सेंसिटिव जो बेल्ट्स हैं, मिश्रित आबादी क्षेत्र हैं, उनमें एक तो सतर्कता और बेहतर करने के लिए हम लोग अपने ड्यूटीज़ जो हैं उनको ठीक तरह से लगवाएंगे और पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ में कार्रवाई होगी। जो नगर निगम के कुछ रिलेटेड इश्यूज़ हैं जहाँ पानी के व्यवस्थापन होना है, क्योंकि एक बड़ा प्रोसेशन निकलता है तो लगातार पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, उसके संबंध में भी नगर निगम और